भाई आपको फिल्म याद होगी अंदाज अपना अपना, मतलब मेरी अब तक की सबसे फेवरेट मूवी है, याद है? उसमें रवीना जी आपने और करिश्मा कपूर ने काम किया था। तो उस फिल्म में क्या होता है कि करिश्मा का नाम रवीना होता है और रवीना का नाम करिश्मा है? आज अगर वही सिचुएशन बनाए कि आप, आपका नाम कपिल है, मैं रवीना टंडन हूं, मैं ऐसे रवीना टंडन की तरह बैठता हूं, मैं कपिल, आप कपिल हैं, तो आप रवीना से क्या पूछना चाहेंगी? पाजी मैं कितना स्मार्ट और सेक्सी हूं ना, मैं आज आ रहा था तो 10 कड़ियां गिर गई मेरे सामने आज। अच्छा मैं रवीना हूं ना साथ में, हेलो अनिल, बच्चों के डायपर उतार के ऊपर डाल देना। ओके आ रही हूं बाबा। हाँ हाँ ठीक है, एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी मेरे साथ। यस कपिल क्या पूछ रहे हैं? रवीना जी, जी ये तो मुझे मालूम है आप मेरे पे बहुत मरती थी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि आपने अपना डेब्यू सलमान खान के साथ किया जी, आपने अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके आमिर खान से लेके सब खानों के साथ काम करके आपने नेशनल अवार्ड जीता जी, आपने कॉमेडी फिल्में की, आपने सीरियस फिल्में की, आप इतनी खूबसूरत हैं। आपको कैसा लग रहा है कि आपको एट लास्ट चांस मिला है टू कम फॉर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल? कपिल इतना शरारती है ना, बहाने से अपने शो की तारीफ करवा ही लेता है। एक बार रवीना टंडन के लिए जोरदार तालियां। आज यहां पे रवीना जी आई हैं बाजी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ना हो। तू चीज बड़ी। इसके लिए सिद्धू भाई ने मुझे 500 रुपए अलग से दिया है। तो वो डांस तो आज होगा ही होगा, क्या बोलते हो ऑडियंस? होगा। तो ठोको तालियां जरा। होगा होगा होगा। वो चीज बड़ी है मस्त, ये चीज बड़ी है दस्त। स्मेलिंग पंच। आपका हो गया? रवीना जी हाय। पलक हाय। हाय कैसी हैं? बहुत सुंदर लग रहे हो आज। थैंक यू सो मच। मुझे जब पता चला ना कि आप यहाँ पे आने वाली हैं, तो मैंने ना स्पेशली ये ड्रेस सिलवाई है। और ये मतलब इतनी डाउन टू अर्थ लड़की ना, जितने भी यहाँ पे स्टार्स आते हैं हर एक के लिए अलग ड्रेस बनवाती है, लेकिन पता नहीं सेम क्यों दिखती है। अच्छा बोल ले अभी। देखिए मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना कि थोड़ा टाइम पहले मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मैंने अपना नाम ही चेंज करके ना रवीना रख लिया था। लेकिन आज कल के लड़के तो आपको पता है ना, उनका तलफ्फुज एकदम रॉन्ग होता है। जैसे आपको रैविशिंग रवीना कहते हैं ना, वो मुझे रबिश रवीना कहने लगे। रबिश रवीना नहीं, उन्होंने रबिश डस्टबीना बोला था तुझे। चलो अभी अपनी रबिश बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। चलो व्हाट इज दिस, निकलो 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 निकलो, और कितना निकलूं? इतना ही निकालने के लिए डॉक्टरों को मुझे 3 दिन लगे थे। तो डॉक्टर ने कब निकाला था? तू तो जमीन की खुदाई होती उसमें से निकली थी। मोहन जोदड़ो हड़प्पा खुदाई हुई थी ना, तो हड़प्पा वही है ये। लिसन मिस्टर शर्मा, जस्ट टॉक टू माय हैंड प्लीज। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ना, मतलब क्योंकि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूं ना, तो मैंने आपके लिए एक शेर लिखा, मतलब मैंने अपने हाथों से, स्वयं के खुद के हाथों से मैंने एक आपके लिए शेर लिख दिया। स्वयंभू शेर, स्वयंभू। वाह पलक, तूने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं उसके बदले में मैं एक चीज देने जाता हूँ। तो ऑप्शन तुम्हारी है कि मैं तुम्हें खुद धक्का दूं कि 4 आदमी बुलाऊं। ऐसे 4 आदमी अब तक पैदा नहीं हुए जो पलक को उठा के ले जाए। मैं बात कर रहा हूं 4 आदमी एक जगह पे, कंधे 4 मतलब एक जगह पे 4 चौके 16 आदमी बुलाऊंगा ना मैं। दिमाग थोड़ी खराब, 4 बंदे तुझे उठाएंगे, मैंने मरवाना उनको। और खबर भी ये नहीं आने की लड़की के नीचे देखो, मैंने उन्होंने बोरी वाली में एक बिल्डिंग गिरी, 4 आदमी घिरते ही धाराशाही। अरे सॉरी पलक, सॉरी